राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेज में पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12th, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे गणानंद 1746 से 1817। गणानंद के बारे में पढ़ेंगे। गणानंद साहित्य परिचय, व्याख्या और प्रश्नोत्तर, ये तीन ही चीज अपने को देखनी होती है। और जब आपके प्रश्नोत्तर आएंगे तो प्रश्नोत्तर में आप एक तो देखेंगे जैसे साहित्य परिचय जो आता ही है किसी न किसी कवि का, व्याख्या आती है, प्रश्नोत्तर आते हैं। इसके अलावा एक होता है काव्य सुंदरी। काव्य सुंदरी, तो काव्य सुंदरी के संबंध में पहले वीडियो जारी किया जा चुका है, इसका साहित्य परिचय भी उसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा और सारगर्भित साहित्य परिचय दिया हुआ है, जो कि पुस्तक से, पुस्तक की बातें तो है ही है, इसके अलावा यानी इसके इससे हटकर भी आपको बहुत अधिक अच्छी जानकारी है वो गणानंद के बारे में दी गई है। तो आप उसमें इसका परिचय आप वहां से देख सकते हैं। वो एक वीडियो अच्छी तरह से बताया पढ़ाया हुआ है जिसमें दो तीन कवियों का साथ में, आप के जैसे गणानंद है, गणानंद का पृथक से एक वीडियो जारी किया जा चुका है। अब हाँ, आज हम पढ़ेंगे व्याख्या, व्याख्या और प्रश्नोत्तर। व्याख्या यदि हमें पूरी तरह से याद है तो प्रश्नोत्तर ये मान लो कि स्वतः ही हमें याद हो जाते हैं, स्वतः ही हमें याद हो जाते हैं। इससे पहले हमने हिंदी अनिवार्य की कक्षाएं, इंग्लिश की कक्षाएं, राजनीति विज्ञान की कक्षाएं और अन्य जो है वो हिंदी व्याकरण की कक्षाएं, इंग्लिश व्याकरण की कक्षाएं, सारी कक्षाएं हैं वो दिन ब दिन अपलोड की जाती है। और वैसे भी आपको बताया जा चुका है, और भी बता देता हूं कि 9610208295 जो ये नंबर है इनपे अपने ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, और ये ग्रुप्स जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप इन ग्रुप्स पे ज्वाइन करें। यदि आप वहां ज्वाइन नहीं करते हैं और ये चाहते हैं कि वीडियो हमारे पास सबसे पहले पहुंचे, तो सबसे अच्छा तरीका है आप इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आप आज सब्सक्राइब कर लेंगे तो यानी ये तो अपना सफर, जैसे मान लो 2020-21 में आप जब पढ़ रहे हैं ये तो सफर रहेगा ही। इसके अतिरिक्त जब आपकी एग्जाम्स हो जाएगी तो उसमें आपके लिए जैसे BSTC है, रीट है, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी की जो साहित्य कक्षाएं हैं, GK की साहित्य कक्षाएं हैं, बहुत अधिक कक्षाएं हैं वो अपलोड की जाती है, तो आप उसमें भी अच्छी तरह से भाग लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप आगे कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाने के बाद जब आप हिंदी में या इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी, जैसे कॉलेज के लिए भी आपके जो प्रश्नोत्तर है वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप बने रहे हैं हमारे साथ, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी जो भी वीडियो जारी होगा तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं तो ये सोचता हूं कि आप इसमें थोड़ा देख लें और इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करें तो आप इसमें सर्च करके भी इससे चैनल पर आप जा सकते हैं, और उसका सर्चिंग जो इंजन है वो है साहित्य क्लासेज, यानी आप अंग्रेजी में जब इस प्रकार लिखेंगे साहित्य क्लासेज, साहित्य क्लासेज इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब दोनों भाषाओं में आप लगा लेंगे तो सीधा अपना ही चैनल खुलेगा और वहां से आप वीडियोज में जाकर के, वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में देखिए आपके हिंदी साहित्य की अलग बनी हुई है, इंग्लिश की अलग बनी हुई है, हिंदी कंपलसरी की अलग बनी हुई है और राजनीति विज्ञान की अलग बनी हुई है। तो ये सारी लिस्ट हैं वो वहां बनी हुई है, आप वहां देख सकते हैं। अब जैसे बीच बीच में जो प्रश्नोत्तर किए जाते हैं वो प्रश्नोत्तर भी आपको इन नंबरों पे भेजना होता है, ग्रुप्स में भेजना होता है। अपने जो टेस्ट होंगे, टेस्ट है वो ग्रुप्स में ही लिए जाएंगे, यानी ग्रुप्स में आपके क्वेश्चन डाले जाएंगे और आप वहां से उनका सीधा उत्तर देंगे। जब इनके पार्ट 5 हो जाएंगे, यानी जैसे गणानंद हो जाएगा और उसके बाद में जो पांचवा पार्ट हो जाएगा, तो 5 पार्ट होने के पश्चात आपके लिए 1 से 5 के जो प्रश्नोत्तर है वो अपलोड किए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही विशेष होंगे और आप उसमें अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम आज गणानंद के बारे में बात करते हैं। गणानंद के परिचय के बारे में पहले बताया जा चुका है, वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में कि इनका जो परिचय क्या है। यदि हम कहें कि ये स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है गणानंद, जिनका 1746 में जन्म हुआ था और कायस्थ परिवार में
और बुलंद शहर में इनका जन्म हुआ था जो कि वर्तमान में मथुरा के पास में है। गणानंद जो है वो दिल्ली के जो मोहम्मद शाह रंगीले जो थे उनके मीर मुंशी भी थे, और उनके दरबार में रहने वाली एक सुजान नाम की जो नर्तकी थी, राज नृत्यांगना थी, उनसे उनका प्रेम हो गया था। और प्रेम होने पर सुजान जो है वो गणानंद के बनाए हुए जो कवित थे उन कवित सवैयों पर वो नृत्य किया करती थी। और कुछ दरबारी जो है आप जानते ही हैं कि दरबारी जो है उन दरबारियों को उनसे ईर्ष्या थी, और ईर्ष्यावश से राजा से उनकी शिकायत की गई। राजा से कहा गया कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। राजा ने उनसे कहा कि आप गाइए, तो उन्होंने गाने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे दुर्भावित जो दुर्भावना वाले लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं हजूर, ये आपके कहने से नहीं, ये उनकी जो प्रेमिका है सुजान उनके कहने से गाएंगे। सुजान को बुलाया गया, सुजान ने कहा गाओ, तो ऐसा कहा जाता है कि गणानंद ने इतना अच्छा गाया था कि वहां की सभा मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन इन्होंने वहां पे एक छोटी सी, वैसे हम समर्पण कह सकते हैं या उनकी चूक कह सकते हैं, कि उन्होंने क्या किया कि यानी अपनी जो सुजान प्रेयसी सुजान थी, सुजान की तरफ मुंह करके और राजा की तरफ पीठ करके उन्होंने गाना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्हें वहां से निकाला दे दिया। और उन्होंने कहा कि भाई जब उनके राज्य से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, वैसे ये परिचय आपको बहुत अच्छा बताया हुआ है, वहां आप उस वीडियो में देख सकते हैं। जब उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, जब राज्य से निष्कासित कर दिया, उन्होंने उनकी जो प्रेमिका थी सुजान, सुजान से कहा कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। तभी से उनका दिल टूट गया, और वो इतने टूट गए थे कि उन्होंने फिर अपना जो ये स्वयं जो है वो आगे जाकर के, और यानी कहने का अर्थ है कि वो सुजान को एक ईश्वर के रूप में यानी पारलौकिक अर्थ लेकर के और वो भक्ति करने लग गए। और उन्होंने सुजान के लिए इतना अच्छा लिखा, इतना काव्य लिखा कि आज भी लोगों के कंठहार बना हुआ है। और उन्होंने क्या किया, फिर 37 में जो गुरु नारायण देव थे उनके शिष्य बन गए और वहां पर जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, ऐसा कहा गया है उनके बारे में। आगे यदि हम देखें कि गणानंद की जो व्यथा है वो कविता बन गई, उनकी व्यथा क्या हुई, कविता बन गई। और जैसे कहा जाता है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, यानी उनकी उनका जो गान है वो वहीं से निकला होगा। तो देखिए अपन चलते हैं इनकी व्याख्याओं पर, इनके परिचय पर, परिचय पर थोड़ा सा दृष्टिपात किया, अब हम चलते हैं इनकी व्याख्याओं पर और व्याख्या में क्या है देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए प्रेम पीर वर्णन में पहला जो इनका कवित है, इस कवित को हमें पहले वाचन करना है इनका, यानी कवित का वाचन ही यानी पहला अध्यापन है, अध्यापन यानी आधा अध्यापन वही हो जाता है। देखिए कवि क्या कहते हैं प्रेमिका के बारे में, प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के बारे में क्या कहती है। भोरते सांजलो कानन ओर निहारति बावरी नेकुन हारति, सांजते भोरलो तारनि ताकि वो तारन सु इति तारन अटारति, जो कहूं बावतो दीठि परे घन आनंद आसुनी ओसर गारति, मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आंखि के उर आरती। देखिए यहां पर भोर का अर्थ होता है प्रातः काल, सांझ यानी संध्या, कानन यानी वन, निहारती का अर्थ है देखती है, बावरी यानी बावली, यानी यहां पर इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि प्रेम के प्रति समर्पित, नेकु यानी तनिक भी, हारती यानी हारती है थकती है, सांझतेन संध्या से भोरेन सुबह लोयन तक तारनी तारों को, ताकि वो यानी ताकती है देखती रहती है निहारती है, तारनी सु इक तारन टारती यानी इक तार यानी देखिए यहां पर ताकि तारनी यहां पर यहां तारनी है यहां यहां तारों को है, यहां तारनी का अर्थ है आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतलियां, इक तार यानी एकटक, तारती यानी टालती है, जो कहूं जब कभी भी भावतो यानी भाने वाला, दीठी दीख पड़ता है, दीठी पड़े यानी दीख पड़ता है दिखाई दे जाता है,
आंसू नहीं, मतलब आंसुओं से, औसर यानी अवसर, और गारत यानी गंवा देती है, गंवा देती है। मोहन मोहित करने वाले, सोहन सोस लगने वाले, जोहन सोहन यानी अच्छे लगने वाले, जोहन यानी ज्योति है, के लगिए रहे लगी रहती है, आंखिन के उर, आंखिन के उर मतलब आंखों के हृदय में, आरत यानी अड़ती है, अड़ जाती है या अड़ी हुई है, अड़ी हुई है। देखिए अब हम क्या कहते हैं, जैसे इसका हम प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रसंग में इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के, ध्यान से सुनना, प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम की पीर वर्णन से अवतरित है। कवित शैली में विरचित इस सवैया छंद में कवि ने प्रेमिका के वीर दशा का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। ये तो इसका प्रसंग हो गया, प्रसंग हो गया। अब हम लिखते हैं इसमें व्याख्या। व्याख्या देखिए, कवि गणानंद वर्णन करते हुए कहते हैं, या कवि गणानंद वर्णन करते हैं कि विरह दशा से पीड़ित नायिका अपने प्रेमी की स्मृति में सुबह से शाम तक वन की ओर देखती रहती है। प्रेमी की स्मृति में भोरते सांधलो कानन ओर निहारती, यानी सुबह से लेकर शाम तक वन की ओर देखती रहती है। निहारती बावरी नेकुन हारती, प्रेम में पागल नायिका तनिक भी नहीं थकती है। निहारती बावरी नेकुन हारती अर्थात वह प्रेम में पागल नायिका तनिक भी नहीं थकती है। सांझ ते भोरलो तारे ताकबो, यानी क्या कहेंगे कि संध्या समय में, संध्या से प्रातः काल तक आकाश में तारों को निहारती रहती है। सांझ ते भोरलो, संध्या से प्रातः काल तक आकाश में तारों को ताकती रहती है। तारन इसो एक तारन टारती, और यानी अपनी आंखों से एकटक होकर के अपने प्रेमी के की स्मृति में आंखों को पलक भी नहीं झपकती है। यानी तारन इसो एक तारन टारती, मतलब उन तारों को एकटक होकर के देखती रहती है और अपने प्रेमी को याद करती रहती है, एक पल भी उन्हें नहीं टालती है। आगे लिखा है कि जब कभी अपने मन भावन प्रिय के दर्शन हो जाते हैं, जो कहूं भाव तो दीठी परे। जब कभी भी अपने मन भावन, भाव भाव तो यानी मन भाव, मन में भाने वाले मन भावन प्रिय के दर्शन हो जाते हैं, तो गणानंद कहते हैं कि आंसू नि ओसर गारती, तो वह पागल या प्रेम में समर्पित नायिका प्रिय दर्शन का अवसर भी खो देती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। जहां का जब कभी भी उनके प्रिय के दर्शन हो जाते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाने के कारण वह अपने प्रिय दर्शन को भी खो देती है, क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वह प्रिय का दर्शन नहीं कर पाती है। आगे लिखते हैं कि मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आंखिन के उर आरती, यानी इस प्रकार विरहिणी अपने मन को मोहित करने वाले प्रियतम को, सोहन प्रियतम को देखने के लिए अपने आंखों में या आंखों के हृदय में सदैव लालसा बनी रहती है। अपने मन को अच्छे लगने वाले, मन को मोहित करने वाले प्रियतम को देखने के लिए उनकी आंखों के हृदय में सदा लालसा बनी रहती है, या सदा उनकी सूरत जो है वो उनके आंखों के हृदय में अड़ी रहती है। देखिए कितनी बहुत बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है। अब इसमें यदि हम विशेष लिखेंगे, विशेष क्या है, कवि ने विदेह दशा का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है, एक नंबर मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। दूसरी बात है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें यमक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। यहां देखिए यमक अलंकार है, तारणी तारियां तारों का अर्थ है, यहां अर्थ है पुतलियां, और इसमें तारणी ताके वो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। यमक और अनुप्रास का प्रयोग इसमें हुआ है, सवैया छंद में है, और यति गति का प्रवाह है वो बहुत ही सुंदर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला जो है वो पसंद आ गया होगा, और इसके बारे में मैं प्रश्न भी पूछूंगा, आप बार बार इसको देखें। अगला देखिए नंबर दो में, देखिए ये थोड़ा अटपटा है, इसको ध्यान से देखना, यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसमें देखिए
गरल गरल गुमान की गरावनी दशा को पान करी करी ध्योस रेनी प्राण घट घोटिबो हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाव राखी विश्व समुद्र एक बान आगे उरे ओटिबो जान प्यारे जोन मान आने तो आनंद घन भूली तून सुमीरी परे खिचकी चोटबो तीन ये सिराती छाती तो ही वे लगाती ताती तेरे बांटे आयो है अंगारे निपे लोटिबो। बहुत ही अच्छा है वैसे, बहुत ही सुंदर बात कही है इन्होंने, कितनी सुंदर बात कही है। इसमें देखिए यदि हम इसकी इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम पीर वर्णन से अवतरित है। इस सवैये में या इस कवित सवैये में कवि ने प्रेमी जीवन में आने वाली स्वानुभूत दशाओं का और स्वानुभूत कठिनाइयों का वर्णन किया है। स्वानुभूत जो कठिनाइयां प्रेम में आती है उनका वर्णन इसमें किया है। अब देखिए इसका सरलार्थ देखिए थोड़ा सा, इन इनके शब्दों को देख लीजिए, शब्दों का क्या क्या अर्थ है। देखिए इसमें गरल, गरल का अर्थ होता है विष। गुमान यानी गर्व या घमंड। गरावनी अर्थ है गलाने वाली। दशा यानी दशा समय। पान यानी पीने वाली। करी करी ध्योंस रहनी का अर्थ होता है रात दिन, रात दिन। प्राण यानी प्राण या सांस। घट यानी हृदय। घोटिबो या का अर्थ होता है नियंत्रित करना या घोटना। हेत खेत धूरी, हेत का अर्थ होता है यहां पर प्रेम, खेत का अर्थ होता है क्षेत्र और धूरी यानी धूल। प्रेम रूपी या प्रेम रूपी क्षेत्र की या धूल, प्रेम रूपी मैदान में धूल, धूल में। चूरी चूरी अर्थात चूर चूर। सांस यानी दम। पांव राखी अर्थात पांव जमाए रखना। विश्व समुदेग अर्थात व्याकुलता रूपी बाण। समुदेग का अर्थ होता है व्याकुलता। क्या अर्थ होता है? व्याकुलता रूपी जहरीले बाण। आगे आगे आग। उर ओटिबो यानी ओटिबो का अर्थ होता है वैसे सामना करना, यानी आग का जो है वो हृदय से सामना करना कहने का अर्थ है। जान प्यारे जान जाते हैं। जोन मन आने तो आनंद घन, आनंद घन यानी गणानंद। भूली तून सुमेरी, सुमेरी स्मरण करना। परेख यानी परीक्षा। चख है, चख यानी चक्षु, चक्षु या नेत्र। चोटीबो यानी चोट, चोटीबो यानी चोट। तीन ये सिराती, सिराती अर्थात शीतल नम्र। तग लगती ताती तेरे बांटे, बांटे का अर्थ था हिस्से। आयो है अंगारे नेनी अंगारे। पे लोटिबो यानी लोटना अर्थात लोटना। अब देखिए इसका अर्थ देखिए। कवि ने प्रेमी की वीर्य दशा का वर्णन करते हुए लिखता है कि प्रेमी के हृदय को दर्वित करने वाले घमंड रूपी विष को पीकर दिन रात। प्रेमी के हृदय को दर्वित करने वाले यानी प्रेमिका कह रही है, प्रेमिका कह रही है गरल गुमान की गरावनी दशा अर्थात प्रेमी के हृदय को गलाने वाले विष का पान करने के, विष का पान या विष को पीकर दिन रात अपनी सांसों को हृदय में नियंत्रित करके रखना है। करी करी ध्वंस रेणी प्राणगढ़ अर्थात दिन रात अपने प्राणों को अपने हृदय में घोट करके रखना है, यानी मुझे ऐसा काम करना है जिससे मेरा प्रेमी है वो पिघल जाए। हेत खेत धूरी चूरी सांस पाम राखी अर्थात प्रेम रूपी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाने पर। हेत खेत, हेत यानी प्रेम, खेत यानी क्षेत्र, धूरी यानी धूल, यानी प्रेम रूपी क्षेत्र में प्रवेश कर जाने पर इस क्षेत्र की धूल में अपने पैरों को जमाए रखना है, यानी प्रेम रूपी क्षेत्र में की धूल में अपने पांवों को जमाए रखना है अर्थात क्या करना है, साहस के साथ, साहस के साथ पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, साहस के साथ धैर्य रखना है। और जब आप प्रेम रूपी क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो विश्व समुद्र एक बार आगे उर ओटिबो का अर्थ था है, यानी उसमें व्याकुलता रूपी बाणों को का हृदय से सामना करना है, यानी प्रेम रूपी क्षेत्र में, प्रेम रूपी क्षेत्र में अपने पांव को जमाए रखना है तथा व्याकुलता रूपी विषैले बाणों का हृदय से सामना करना है अर्थात अपनी छाती से सामना करना है। जान प्यारे जोन मन आने तो आनंद घन अर्थात वीरे जनित दशा में, इसका अर्थ है कि वीरे जनित दशा में घमंड को त्याग कर व्याकुलता को सहन करना है, नहीं विश्व समुद्र एक बार आगे, इसका अर्थ है क्या अर्थ है
कि वीर्य जनित दशा में घमंड को त्याग करके और व्याकुलता को सहन करना है। प्रियतम, अगर देखिए, जान प्यारे जोन मन आने तो आनंद घन का अर्थ है कि यदि प्रियतम यदि इस दशा की ओर ध्यान नहीं दे, जान पारे प्यारे जोन मन आने तो आनंद घन अर्थात प्रियतम यदि हमारी इस दशा पर ध्यान नहीं देता है तो भी तकरार में प्राप्त चोटों का स्मरण कर पछताना नहीं चाहिए। भूली तूने सुमिरे अर्थात भूल से भी अपनी इस तकरार में नेत्रों की चोटों से जो हमारी जो प्राप्त चोटों का स्मरण करके हमें पछताना नहीं है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें प्रेमी को यदि इसमें यदि प्रेमी जो है वो जान भी जाता है तो भी हमें इस क्षेत्र में यदि हमारे बीच में जो भी हुआ अर्थात हमारे बीच में जो है वो नेत्रों से या उन्होंने जो भी चोटें पहुंचाई उन चोटों को स्मरण नहीं करना है, उनसे दुखी नहीं होना है। तीने ये सिराती छाती तो ही वे लगा दिताती अर्थात प्रेमी को यदि इससे शीतलता प्राप्त होती है यानी तुम्हें दुख देख करके प्रेमी को शीतलता प्राप्त होती है। तीने उन्हें सिराती छाती अर्थात उन्हें शीतलता प्राप्त होती है तो ही वे लगा दिताती परंतु उसे इस वीरे ताप को सहन करना ही है, उसे वीरे ताप को सहन करना ही है। हे प्रेमी तेरे जीवन में तो अंगारों पर लेटना ही लिखा है, तेरे बांटे आयो है अंगारन पे लोग। हे प्रेमी तुम्हारे जीवन में तो अंगारों पे लेटना ही लिखा है अर्थात प्रेम की राह सदैव कष्टकारी होती है, प्रेम की राह जो होती है वो सदैव कष्टकारी होती है। अब इसमें देखिए कवि ने प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया है, विशेष मार्ग क्या लिखेंगे, कवि ने प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का स्वानुभूत वर्णन किया है। अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहां है, देखिए चूरी चूरी यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है ही है, इसमें रूपक अलंकार भी है। विश्व समुदेक बाण यहां इसमें रूपक अलंकार है। कविता में या कवित छंद में लिखे इस पद में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कहां, जैसे पांव राखी अर्थात पांव जमाना, अंगारों पे लेटना, ये सभी मुहावरे तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी हुआ है। अगला देखिए, देखिए तीन नंबर, भय अति निठुर मिटाय पहचान डारी याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सुधी, यहां पर भूली सुधी है, हमें सूल सेला निशो क्यों हूं भुलाए है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहि ले तो, तब अब जिये जारते काहो दो कौन न्याय है, सुनी है के नाही ये प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। भय अति निठुर जिसका अर्थ हम कठोर या निर्दयी कह सकते हैं, मिटाए पहचान इन पहचान डारी इन डाल दी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है अर्थात हाय मुझे यही दुख लगा हुआ है, तुम तो निपट निर्दयी, निपट का अर्थ होता बिल्कुल कोरा, निर्दयी निर्दयी भूली सुधी सुधी यानी याद, सूल सेलनी का अर्थ होता है कांटों की पीड़ा यानी कांटों की पीड़ा, बुलाए है बुलाना, मीठे मीठे बोल पे ठगे ठगना, अब जिए जारत जारत का अर्थ होता है जलाना, कहो दो कहिए कौन न्याय कौन सा न्याय है, सुनिए कि नहीं प्रगति कावज, कल्पाए कल्पाए का अर्थ होता है तड़फाना तड़फाना, कैसे कल्पाए है अर्थात कैसे सुखी, या कल कल का अर्थ होता है चैन, यहां पर कल्पाए है पायन पाना, ये दोनों जैसे कल्पाए शब्द है ये कल्पाना है और ये कल्पाए है, कल का अर्थ होता है चैन और पा यानी पाना यानी अलग अलग है। देखिए कवि क्या कहते हैं, यानी हम जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग वही है कि स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रीतिकालीन कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम पीर वर्णन से उद्धृत है और इसमें कवि ने गणानंद ने अपने प्रेम पात्र सुजान की कठोरता और निर्दयता का वर्णन करते हुए अपनी स्वानुभूत व्यथा का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि गणानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान भय अति निठुर मितान पहचान डारी अर्थात हे प्रिय सुजान तुम तो अत्यंत निर्दयी हो,
आपने तो मेरी पहचान ही मिटा दी, अर्थात तुमने तो मेरी पहचान ही, मुझे स्मरण करना ही भूल गई। मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मेरी पहचान मिटा डाली, अर्थात तुमने मुझे याद करना ही छोड़ दिया। हमारे मुंह से यही हाय हाय शब्द इसी कारण से निकल रहा है। तुम तो अत्यंत निर्दयी और दया भाव से रहित हो, तुम तो अत्यंत निर्दयी हो और दया भाव से रहित हो, और अपने संयोग श्रृंगार की बातें भी भूल गई हो, हमारे संयोग के सुखद स्मृतियों को भूल गई हो। तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती है, और तुम मुझे याद नहीं करके और कांटों की पीड़ा दे करके आपने मुझे भुला दिया है। कांटों की पीड़ा दे करके आपने हमें भुला दिया है। हे सुजान, पहले तो आपने मीठी मीठी बातें करके मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठगी पहले तो अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अब जिए जा रहे कहो तो कौन न्याय है, अर्थात मेरे समर्पित प्रेम को देख करके अब मुझसे बात नहीं करना, रूठ जाना, और अब मेरा जी जला रही हो, अर्थात मुझे तड़फाती हो, यह कौन सा न्याय है? यानी हमसे दूर रह करके आप मुझे जला रही हो, तो अब यह कौन सा न्याय है? लेकिन हे सुजान सुनो, क्या आपने नहीं सुना है, एक कहावत है कि जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं कभी भी चैन से नहीं बैठता है, वह कभी भी स्वयं चैन से नहीं बैठता है, अर्थात वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए इसमें वही बात है कि ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, यमक अनुप्रास और रूपक अलंकार है, यमक का इसमें प्रयोग है। अब आपको इसमें यमक का प्रयोग कहाँ है ये आपको बताना है। पहले वाले में मैंने बता दिया यमक का प्रयोग कहाँ है, और रूपक का प्रयोग है वो मैं आपको बता देता हूं। सूल सैलनी यानी ये यहां पर रूपक है, लेकिन आपको ये बताना है कि यहां पर यमक अलंकार कहाँ है। अगला देखिए, देखिए नंबर चार, और ये बहुत ही अच्छा है, ये मुझे सबसे अधिक पसंद, ये चौथा और पांचवा जो है ये दोनों ही मुझे बहुत अधिक पसंद है। और ये कहते हैं कि बीत सुजान अनित करो जिन हाहन हुजी मोही अमोही, दीठ को ओर कहूं नहीं छोड़ फिरी त्रिग रावर रूप की दोही, एक विशास की टेक कहन लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हूं गन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारती मोही। कितनी सुंदर बात कही है कवि ने, क्या कहा? देखिए देखिए इसमें मीत का अर्थ मित्र है, सुजान का नाम सुजान है, अनिति यानी अनिति अन्याय, हाहन हुजिए ना हुजिए अर्थात मत हो, मोही अमोही, अमोही का अर्थ होता है निर्मोही, दीठी को दृष्टि को, यह अर्थ क्या है दृष्टि को, और कहूं नहीं ठोर अर्थात स्थान, फिर दृग दृग यानी आंखें, रावरे यानी आपके, रूप की दोही यानी दुहाई, एक विश्वास यानी विश्वास, गहन लगी आस रहे बसी प्राण बटोही अर्थात प्राण रूपी राहगीर बटोही बटाऊ, हूं घन आनंद जीवन मूल अर्थात जीवन आधार, जीवन आधार, प्यासनी मारती मोही अर्थात मुझे क्यों प्यासे मार रही हो। देखिए इसमें यदि हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में क्या कहेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यावतरण है वो रीतिकालीन काव्यधारा के स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद द्वारा विरचित प्रेम की पीर वर्णन से उद्धृत है, और इसमें कवि ने अपने प्रेम पात्र सुजान से कहा है, और सुजान की निष्ठुरता का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। कवि क्या कहते हैं, गणानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान तुम इतना अन्याय मत करो, मीत सुजान अनित करो यानी इतना अन्याय मत करो, हाहन हुजिए मोही अमोही, और आप मेरे लिए इतने निर्मोही भी मत बनो, इतना अन्याय मत करो, मेरे लिए इतने निर्मोही भी मत बनो। हे सुजान दीठी को और कहूं नहीं ठोर, हे सुजान मेरी दृष्टि को मेरी आंखों को देखने के लिए कहीं भी ठोर नहीं है, कोई भी स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर दृग रावर रूप की दोही, आपके रूप सौंदर्य की दुआई ही मेरी आंखें करती रहती है, अर्थात मेरी आंखों को आपका रूप सौंदर्य ही अच्छा लगता है, मेरी दृष्टि के लिए
कोई और जगह नहीं है, अर्थात मेरी दृष्टि में तुम ही समाये हुए रहती हो। एक विश्वास टेक गहल भी, और मेरे मन में हमेशा एक ही विश्वास लगा रहता है, मेरे नेत्रों में तुम्हारे रूप की छटा समाई हुई है, और मुझे एक ही विश्वास लगा रहा है कि मेरे जो प्राण रूपी बटोई है, अर्थात मेरे जो प्राण है, वो इसी उम्मीद में टिके हुए हैं कि एक दिन सुजान है वो मुझसे प्रेम करेगी, अर्थात मेरी बातों को स्वीकार करेगी। और मुझे कुछ भी नहीं है, गणानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, जीवन मूल। हे गणानंद, गणानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, और आपके प्रेम से ही मेरा जीवन सुरक्षित है। इसलिए तुम अगर इसी प्रकार मेरे लिए जल के भंडार हो, तो फिर मुझे अपने दर्शन नहीं देकर के मुझे क्यों प्यासे मार रही हो? आपका दर्शन ही मेरे लिए जल है, अमृत है, तो आप मुझे प्यासे क्यों मार रहे हो? इसमें विशेष क्या है, देखिए रूपक अलंकार है, गणानंद जीवन मूल में इसमें श्लेष अलंकार भी है, श्लेष का भी प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा और इसमें मूर्धन्य दृष्टव्य भी है, श्रृंगार रस के विरे पक्ष का इसमें वर्णन किया गया है, और यानी वियोग श्रृंगार का वर्णन है, इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर पद है। अगला पद जो है वो इससे भी सुंदर है। ये पद तो प्रत्येक विद्यार्थी को याद करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को याद करना चाहिए। प्रेम के क्षेत्र में, प्रेम में इससे बढ़कर कोई परिभाषा नहीं है, इससे बढ़कर कोई स्वानुभूत तथ्य नहीं है। क्या कहते हैं गणानंद कि अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयाना पांक नहीं, तहां सांच चले तजी आपन पो झिझके कपटीज निशांक नहीं, गण आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एकत दूसरो आंक नहीं, कोन दो पाटी पड़े हो लला मन लेहु पदेहु छटांक नहीं। अर्थात अति सुधो यानी बहुत ही सीधा, स्नेह यानी प्रेम, स्नेह यानी प्रेम, मार्ग यानी रास्ता, जहां नेकु तनिक भी, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, इसमें तनिक भी टेढ़ापन नहीं होता है, सांच चले अर्थात यहां पर सत्य चलता है, तजी आपन को यानी अहंकार, अहंकार खो करके, अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, जिजके कपटी जे निशांक नहीं, कपटी व्यक्ति है वो इस पर नहीं चल सकता, गणानंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो अंक नहीं। तो देखिए कवि क्या कहते हैं इसके बारे में, देखिए कि गणानंद जो है इसमें अपने प्रेम की पीर का अर्थात प्रेम की परिभाषा का सुंदर और सटीक वर्णन इसमें किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान सुनिए कि प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा होता है, अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, अर्थात प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा होता है, सरल होता है, जिसमें तनिक भी टेढ़ापन नहीं होता है, अर्थात प्रेम के मार्ग में छल कपट और फरेब नहीं होते हैं, छल कपट और फरेब नहीं होते हैं, प्रेम के मार्ग में सत्य का प्रयोग होता है, जहां पर अहंकार नहीं चलता है, अर्थात प्रेम का निर्वाह वही कर सकता है जिसका हृदय निष्कपट हो, जिसमें अहंकार नहीं हो, वही व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। गणानंद प्यारे सुजान सुनो, गणानंद कहते हैं कि हे प्रियतमा सुजान सुनिए, इत यहां एकत दूसरो अंक नहीं, अर्थात प्रेम की भाषा में एक ही अंक होता है, सबसे बड़ी बात है, प्रेम की भाषा में एक ही अंक होता है, अर्थात एक से शुरू और एक पे ही समाप्त हो जाता है, प्रेम की गणित जो होती है वो एक से शुरू होती है, एक पे ही खत्म हो जाती है, और प्रेम की भाषा में अर्थात प्रेम की भाषा में एक से अधिक कोई अंक नहीं होता है। हे प्रियतमा, हे सुजान, आपने कौन सी पार्टी पढ़ी, अर्थात कहां से शिक्षा ग्रहण की है, मन लेहू पे देऊ छटांग नहीं, मेरा मन तो ले लेती हो लेकिन बदले में तनिक भी अर्थात कुछ भी नहीं देती हो। यहां पर एक दो बातें भी है, मन लेहू पे देऊ अर्थात मन का अर्थ होता है एक तोल भी होता है, मन यानी जो 40 किलो होता है, यानी आप एक मन ले लेती हो और उसमें एक छटांक भी यानी रति भर भी नहीं देती हो,
चटांग भी नहीं देती हो, तो इसका अर्थ ये भी है कि आपने किससे शिक्षा ली है कि तुम मेरा मन तो ले लेती हो, बदले में मुझे अपनी जो सुंदर छवि है उसका तनिक भी अर्थात एक अंश भी नहीं देती हो। तुम मन भर ले लेती हो परंतु छटांक भी नहीं देती हो, बहुत ही थोड़ा कुछ भी नहीं देती। तो बहुत सुंदर है ये, आप इसे याद करेंगे और उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 9610208295 इस पे जो ये जो है इस पे आप लिख सकते हैं, बहुत सारे जो प्रश्न है वो भी आपसे करने हैं, तो 1 से 5 जो पार्ट हो जाएंगे तो उसमें आपको इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी बताए जाएंगे, और फिर आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें आप सभी को भाग लेना है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए, और यदि मान लो कहीं से समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लिया करो, मैं वापस दूसरा ऑडियो जारी कर दूंगा, यानी ये जैसे वीडियो तो नहीं लेकिन ऑडियो जारी करके मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चित रूप से आप देखें, देख करके वैसे मेरे हिसाब से शायद समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आता है कहीं भी तो आप मुझे वापस यानी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर ये जो 5 कवित है इन 5ों में से कौन सा कवित समझ में आया, चौथा नहीं आया, दूसरा नहीं आया, जो भी कवित समझ में नहीं आया आप उसमें लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।